बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। ये जी हमारी मोटरसाइकिल है जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, क्योंकि ये मोटरसाइकिल रोज़ाना 70 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ये जी मोटरसाइकिल साफ़ करने के इक्विपमेंट्स हैं। मैं सर्फ़ के साथ नहीं धोता क्योंकि सर्फ़ के साथ स्क्रैचेस पड़ जाते हैं मोटरसाइकिल पर, इसलिए मैं शैम्पू का इस्तेमाल करता हूँ। सारी बाइक पे शैम्पू लगा दिया, अब इसको पानी के साथ साफ कर लेते हैं। बाइक साफ़ हो चुकी है, अब इसे कुछ देर सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर साफ़ कपड़ा मारूंगा तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। अब गाड़ी भी साफ़ करते हैं, और गाड़ी भी बहुत गंदी हुई भी है, आप देख सकते हैं। गाड़ी भी शैम्पू के साथ ही साफ की जाएगी। शैम्पू लग चुका है गाड़ी को, अब पानी मारते हैं इसे। ये मैट हैं गाड़ी के, इनको सर्फ़ के साथ साफ़ किया क्योंकि इनमें मैल बहुत ज़्यादा फंस चुकी थी। गाड़ी के जो टायर्स हैं उनको सर्फ़ के साथ साफ़ किया। ये अंदर तक मिट्टी जमी हुई है, ये निकल गई है सारी मिट्टी। ये गाड़ी का कपड़ा है, इसको भी साफ़ करना है क्योंकि गाड़ी साफ़ करने का फ़ायदा तब भी है जब इसका कपड़ा साफ़ हो, क्योंकि जब इसके ऊपर कपड़ा गंदा डलेगा तो फिर गाड़ी फिर गंदी हो जाएगी, इसलिए कपड़ा साफ़ करना ही बहुत ज़रूरी है। इसको ऊपर खाली पानी से साफ़ करना है क्योंकि इसके ऊपर बस मिट्टी है, ज़्यादा गंदा नहीं है। ये कपड़ा अब साफ़ हो गया, अब ये खुश्क हो रहा है। गाड़ी का इंटीरियर भी बहुत गंदा हो चुका है, दरवाज़ों पे सर्फ लगा दिया गया है, सीटों पे भी सर्फ लगा दिया। ये गाड़ी का मैट है, ये भी साफ हो गया मुकम्मल। गाड़ी का इंटीरियर भी मुकम्मल साफ़ हो चुका है, आप देख सकते हैं डैशबोर्ड। ये इसकी पिछली सीटें, सब कुछ साफ़ हो चुका है, नीट एंड क्लीन हो गया सब कुछ। ये घास काटने वाली मशीन निकाल ली है, अब अपने गार्डनर महमूद भाई का इंतज़ार है। ये जी बाइक और गाड़ी धोने के बाद गैराज की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। गैराज साफ़ हो चुका है, गाड़ी अंदर ले आते हैं।
गाड़ी भी माशाल्लाह फुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है बाइट से भी। बाइक भी खुश्क हो गई है मुकम्मल और कपड़ा भी मार दिया साफ इसके ऊपर। घास बहुत बढ़ चुकी है, इसे अब काटते हैं। महमूद भाई आ चुके हैं और घर के पौधों की देखभाल महमूद भाई करते हैं। मेरा भी आज ये मशीन चलाने का दिल कर रहा है तो मैं भी थोड़ी मशीन चलाने की कोशिश करता हूँ। ये घर के बाहर का लोन है। काफी जोर लगता है मशीन चलाने में। ये जितनी घास काट रहे हैं ये सारी साथ ले जाएंगे अपने और जाके जानवरों को खिलाएंगे। अंदर की घास काट दी है और जब घास काटते हैं तो इसका कलर ज़रा खुश्क खुश्क निकलता है लेकिन दो तीन दिन बाद बिल्कुल ये ग्रीन हो जाती है। ये माशाल्लाह ऐसे लग रहा है जैसे कारपेट बिछा हुआ है। बाहर की घास भी मुकम्मल काट दी है और माशाल्लाह बहुत सफाई के साथ काटी है और ये थोड़ा भी फुल हो गया घास के साथ। खाने का टाइम हो चुका है और खाने में आज देसी मुर्गी है। खाना खाने से पहले आज का व्लॉग करते हैं इधर ही ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।